एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए हम कवर कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी का सिलेबस, जिसमें हम लेक्चर 1 और 2 में इसके पहले 2 टॉपिक कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर 3, भाषा के कार्य, यानी कि भाषा के कार्यों के विषय में हम जानेंगे। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है, टोटली बेस्ड है सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर और इसके सिलेबस पर। सो लेट्स स्टार्ट। भाषा के कार्य। भाषा के 5 आधारभूत कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और चिंतन करना। 5 आधारभूत स्तंभों का काम सरल से कठिन के क्रम में है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी दिनचर्या का 45% समय सुनने में, 30% बोलने में और 25% पठन और लेखन में व्यतीत होता है, और चिंतन में यह प्रश्न अनुत्तरित है। चिंतन के लिए जो समय प्रयोग होता है, उसके विषय में अभी कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि यह व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है। चिंतन में जो समय जाता है, वो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ज़्यादा या कम हो सकता है। अब प्रत्येक व्यक्ति जो है, अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार चिंतन करता है, और भाषा हमारी इसी बौद्धिक क्षमता की अभिव्यक्ति है। यानी कि हम अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार जो चिंतन करेंगे, उसको हम जब अपने भावों और विचारों के रूप में जब प्रकट करेंगे, तो वही हमारी भाषा हो जाती है। अब देख लेते हैं कि इन विचारों को हम किस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि भाषा जो है वो पूर्ण रूप से विचारों की अभिव्यक्ति है। तो 2 प्रकार से हम अपने भावों या विचारों को प्रकट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं आपका, पहला है अनौपचारिक रूप से और दूसरा है आपका औपचारिक रूप से। तो देख लेते हैं कि ये क्या होता है। जब हम अनौपचारिक रूप की बात करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी नियम इस भाषा में लागू नहीं होंगे। अनौपचारिक भाषा मतलब ऐसी भाषा जिसमें कोई भी आपको नियम की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपके लिए बाउंडेशन नहीं है, जैसे माता पिता, घर परिवार, परिवेश, पड़ोस, समाज और जनसंचार के माध्यम। जनसंचार के माध्यम मतलब आजकल हम समझ सकते हैं सोशल मीडिया, जिस पर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और इसके लिए कोई भी हमारे नियम जो हैं वो नहीं बने हुए हैं पूर्ण रूप से। अब हम अगर बात करेंगे औपचारिक भाषा की, अगर हम बात करेंगे, तो इसमें आ जाते हैं जो क्षेत्र के पढ़े लिखे समाज द्वारा स्वीकृत भाषा का इसमें प्रयोग करें, यानी कि एक नियमबद्ध व्यवस्था, ऐसी नियमबद्ध व्यवस्था जिसका प्रयोग हम कार्यालयी कार्यों के लिए या फिर कोई भी सरकारी कार्यों के लिए, कामकाजी क्षेत्र में, या फिर हम अपने किसी भी रूप से व्यावसायिक रूप में, किसी भी क्षेत्र में हम इसका प्रयोग करेंगे, जो कि एक समाज द्वारा स्वीकृत भाषा होगी, यह हमारी औपचारिक भाषा होगी। हिंदी को राजभाषा का रूप यहाँ पर दिया गया है, तो जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा होती है, वो राजभाषा हमारी हिंदी है। और इसका जो है संविधान में वर्णन है, वो अध्याय 7 अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन है। तो यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि कौन से अनुच्छेद और कौन से अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, राजभाषा जिस क्षेत्र की राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह उसकी राजभाषा कहलाती है। और मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा मतलब घर की बोली को माता की बोली तथा समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को मातृभाषा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा में मातृभाषा का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष की भाषा से होता है। औपचारिक शिक्षा मतलब कि अगर हम बात करें प्राथमिक विद्यालयों की, तो इस पर मातृभाषा का प्रभाव क्या पड़ेगा? यहाँ पर मातृभाषा का दर्जा हम किसे देंगे? जो स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष की भाषा होगी। और मातृभाषा में बच्चे के ज्ञान के विकास में यह बहुत ज़्यादा सहायक है, क्योंकि ये बच्चा जो है घर से सीख करके आएगा कुछ शब्दों को, और उन्हीं शब्दों से फिर आगे वो उसे शिक्षा ग्रहण करने में प्रयोग करेगा। जैसे कि अगले पॉइंट में दिया गया है कि विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण का
सर्वश्रेष्ठ माध्यम है मातृभाषा, और मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। अब मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होगा तो ग्रहण भी वो उसे जल्दी करेगा। अब जल्दी ग्रहण करेगा तो उसके बाद वो उसे, हम अगर दूसरी लैंग्वेज या दूसरी भाषा उसे उसमें बताएंगे तो वो उसे भी उससे अच्छे से रिलेट कर पाएगा। और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। और अब हम इसके बाद अगर कभी बात करेंगे आपसे NPE यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ की, तो वहाँ पर आपको हम बताएंगे कि त्रिभाषा जो है फॉर्मूला वो कैसे लागू हुआ और क्या क्या उसके पीछे कारण थे, ये हम बात करेंगे एक अलग वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। और अब देख लेते हैं भाषा शिक्षक के कार्य। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ से पैडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाषा शिक्षक के कार्य के आधार पर जो हमने पॉइंट्स रखे हैं कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा शिक्षक को कक्षा और कक्षा से बाहर के बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनके सामने हम नए नवीन जो हैं शब्दों को बोल करके और उन्हें उनका अर्थ बता करके, तो इस तरह से बच्चे सीखेंगे। या फिर उनसे विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करवा करके भाषा शिक्षक को बच्चों की भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोग से परिचित कराना चाहिए। विविध प्रयोग से परिचित कराना, उनकी अपनी घटनाओं का वर्णन हम उनसे करवा सकते हैं, उनसे कहानियाँ सुनाने को कह सकते हैं जिसमें वो अपने खुद के शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो यह सीटेट में पिछले साल पूछा गया था प्रश्न कि किसमें बच्चे जो हैं ज़्यादा अच्छे से अपने शब्दों में सुना पाएंगे, किस का वर्णन कर पाएंगे। तो घटना वर्णन वो अच्छे से कर पाएंगे, कहानी का वर्णन वो कर पाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें सुलेख देते हैं, श्रुत लेख देते हैं, तो वो तो इससे रिलेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा हमारा कि हम उनसे कहानी लिखने को कहेंगे। अब भाषा शिक्षण में अनिवार्य समग्रतावादी दृष्टिकोण। समग्रतावादी दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, यानी कि हमें सबको साथ लेकर के चलना है, ऐसा हमने दृष्टिकोण अपनाना है। इसी बिंदु के साथ हमारा भाषा के कार्य का जो टॉपिक है वो हो जाता है पूरा। और इसके बाद हम करेंगे भाषा विकास में बोलने सुनने की भूमिका। बोलने सुनने की भूमिका वैसे तो इसी में इंक्लूड था, लेकिन अलग से हम उसे पढ़ेंगे पार्ट टू में। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।